हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेस एक क्लासेस। इको में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर इज फाइव ईयर प्लान्स इन इंडिया। मैंने आपको बताया था फाइव ईयर प्लान्स जब भी गवर्नमेंट बनाती है वो सारे प्लान्स गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था गवर्नमेंट के जो गोल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स वो दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल्स। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करना है, टॉपिक की जो हेडिंग है उससे हमें काफी सारी बातें क्लियर होती हैं। देखो टॉपिक की हेडिंग क्या है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। हम सब जानते हैं 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसको हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी पॉलिसी का मतलब क्या था, फुल फॉर्म थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें उसमें क्या हुआ था, लाइसेंस और रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था हमारी गवर्नमेंट ने। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था, जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी उसको हटाया था। ग्लोबलाइजेशन में बाहर की कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करने में कुछ फ्रीडम्स दी थी, एमएनसीज आई थी उस टाइम पे यहाँ पे। तो वो ये नहीं पूछ रहे कि 1991 के बाद क्या हुआ, कह रहे उससे पहले क्या था। इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स बताओ जो परस्यू करी थी हमने प्लानिंग टिल 1991 तक, जो हमारी पॉलिसी थी उसके फीचर बताना। समझ रहे बात को, अब उससे पहले के फीचर बताने हैं। इसका मतलब हम 1951 से लेके चले क्योंकि हमारी पहली प्लानिंग कब हुई थी, 1951 में पहला फाइव ईयर प्लान बना था। तो हमें पॉलिसी बतानी है जो 1951 से 1991 के बीच में थी। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, 1951 में जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी तो गवर्नमेंट ने देखा हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। क्यों इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि किसी भी देश की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब वहां पे क्या डेवलप हो, इंडस्ट्रीज। क्योंकि उससे पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी या नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज तो बनाई पर सिर्फ वो इंडस्ट्री जो उनके फायदे के लिए थी, जैसे कि रेलवे। आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं बनाई उन्होंने। आप अगर ध्यान से पढ़े पिछले चीजों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी थी। उन्होंने रेलवे सेटअप किया, उन्होंने पोर्ट्स सेटअप किए, उन्होंने रोड्स बनाई। भाई साहब कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ, विश्वास कर लो उस चीज को, अभी पढ़ लेना। आपने जो पढ़ा था आप गलत समझ गए उसको। उन्होंने आयरन स्टील इंडस्ट्री बनाई तो थी पर जो उनकी बहुत स्लो ग्रोथ थी, वहां पे हेडिंग भी थी ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि उस पे ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। तो कंफ्यूजन पॉइंट मेरे को क्या करके आए अपने दिमाग में, उन्होंने कौन सी इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दी थी, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी रेलवे। चार पॉइंट पड़े थे, रोडवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और पोर्ट्स, ये चार बनाई थी। इसके अलावा कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका मतलब हमारा देश कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, हम सिर्फ रॉ मटेरियल उगाते थे, बाहर भेजते थे, फिनिश गुड्स वहां से मंगाने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट ने देखा कि फिनिश गुड्स के लिए हम किसी और पे डिपेंड है और हमें फिनिश गुड्स बनाए बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 51 में ही कोशिश करी कि इंडिया में क्या सेटअप करा सके, इंडस्ट्रीज। क्या सेटअप कराए, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री सेटअप करानी 1951 की बात कर रहा हूँ। सोचना प्राइवेट प्लेयर्स क्या पैसा लगाने को राजी होंगे, दो रीजन थे। एक तो इतना पैसा था नहीं क्योंकि देश अभी आजाद हुआ। दूसरा वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था शायद अभी प्रॉफिट ना हो, कौन खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट। समझ रहे बात, तो इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्री उस टाइम पे थी उसमें सारा रोल किसने प्ले किया था, गवर्नमेंट ने, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने बहुत थोड़ी सी इंडस्ट्री रखी थी क्योंकि इसमें जो पैसा लगना था वो गवर्नमेंट सेक्टर तो लगा सकता था क्योंकि उसकी मजबूरी थी देश की तरक्की कराना, बट प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा लगाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था।
समझ आ गई बात। पहला ये पॉइंट है, पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। देखते हैं क्या लिखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर पे पूरा डिपेंडेंट थे हम, रिलायंस मतलब डिपेंडेंट। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर व्हाइल 12 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या करा सरकार ने, अपने पास कितनी इंडस्ट्री रिजर्व करा ली 17 और प्राइवेट को कितनी दी सिर्फ और सिर्फ 12। ये क्यों किया था, इट इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। वो चाहते थे सोसाइटी में सबकी भलाई हो, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो भलाई नहीं सोचेगा, वो प्रॉफिट बढ़ाएगा। तो सोशलिस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर में कितनी इंडस्ट्री रिजर्व करा ली 17 और प्राइवेट को कितनी दी सिर्फ और सिर्फ 12। समझ आ गया पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, राइट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा प्राइवेट सेक्टर में अभी हमने पढ़ा कितनी इंडस्ट्री दी थी उन्हें 17 प्राइवेट। पहले ना अगर अब तू बात करता देखा चाटा मारूंगा पहले क्लास को रोक के तेरे में। प्राइवेट इंडस्ट्री में कितनी इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर को 12 और उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया। एक तो 12 इंडस्ट्री बहुत कम रखी उनके पास और उसमें भी कह दिया कि पहले लाइसेंस लो और इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन कराओ तभी आप प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री चला सकते हो। तो उनकी जो ग्रोथ थी उसको क्या करा दिया, रेगुलेटेड डेवलपमेंट कर दी। रेगुलेटेड मींस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रख दिया उन्हें, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट। ऐसा क्यों किया था ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अब इकोनॉमिक पावर ना बन जाए, क्योंकि अभी तो अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। कोई एक बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बन गया और उसने देश को कंट्रोल कर लिया, यानी कि देश के कंट्रोल में आ गया किसी और के, तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेटेड डेवलपमेंट दे दी जिससे कि उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर ना आए। पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है, प्रायर टू 1991 न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते थे 1991 से पहले। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट देयर वॉज नो कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट हैंड्स, जिससे प्राइवेट हैंड्स में कोई इकोनॉमिक पावर ना चली जाए। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम सबको, पॉइंट दोनों समझ आ गए बेटा। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट होते हैं इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमारी गवर्नमेंट ने जब इंडस्ट्री सेटअप करी तो उन्होंने ज्यादा रिलायंस विश्वास किस पे किया, पब्लिक सेक्टर पे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कितनी इंडस्ट्री थी, प्राइवेट को 12। रीजन क्या था, सोशलिस्ट पैटर्न की वजह से। दूसरा, हमारी प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट तो हुई बट रेगुलेटेड डेवलपमेंट, रेगुलेटेड मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कि आपको लाइसेंस अगर नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है पहला लाइसेंस ले, दूसरा रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया था, जिससे कि कोई भी इकोनॉमिक पावर किसी प्राइवेट प्लेयर के हैंड्स में ना जाए। तीसरा पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई एंड रेगुलेशन ऑफ LSI। बेटा SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, LSI मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आप पूरी हेडिंग लिखेंगे ये याद हो जाता है, LSI और SSI ध्यान से समझना, हेडिंग में ही सारा आंसर है। कह रहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी उनको रेगुलेट कर दिया, यानी कि उनके ऊपर क्या लगा दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, थ्रू MRTP एक्ट। ये क्या है सर, इधर देखिए, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। किस चीज के ऊपर, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब समझते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं किस चीज पे, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली समझते हैं, यस सर, सिंगल सेलर। जब कोई सिंगल सेलर हो उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने LSI के ऊपर ना MRTP एक्ट लगा के कोई भी अपनी मोनोपोली नहीं बनाएगा मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, जब सिंगल सेलर होता है तो वो
कुछ भी रेट चार्ज कर सकता है, किसी भी रेट पे बेच सकता है अपना प्रोडक्ट, जिससे कि सोसाइटी का लॉस हो सकता है। अकेला बंदा बेचने वाला है, हाई प्राइस चार्ज करेगा, नुकसान किसका होगा? कस्टमर का। तो गवर्नमेंट ने LSI को क्या कर दिया, MRTP एक्ट के थ्रू रेगुलेट कर दिया, उस पर MRTP एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए कि फालतू की कोई मोनोपोली नहीं बनाएगा। दूसरा SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या दी हमारी गवर्नमेंट ने, प्रोटेक्शन। कैसे दी प्रोटेक्शन? गवर्नमेंट ने क्या कहा कि SSI प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट SSI बनाती है, उन प्रोडक्ट को कोई भी LSI नहीं बना पाएगी। उनके रिजर्व, उनके प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया। लाइक SSI में हमारे पास कैंडल्स डेवलप हो रही थी, अब वो कैंडल जो बनानी थी वो काम कोई भी LSI नहीं कर सकती। ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे जो फिक्स कर दिए थे कि ये SSI ही बनाएगी, इससे क्या हुआ, SSI को प्रोटेक्शन मिली थी। देखो क्या लिखते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटेड थ्रू MRTP एक्ट। लार्ज स्केल को रेगुलेट कर दिया थ्रू MRTP, फुल फॉर्म याद कर लेना, वन मार्क में आ जाती है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। व्हाइल SSI ऑन द अदर हैंड वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन बाय रिजर्विंग सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर देम, उनके लिए कुछ प्रोडक्शन एरिया हमने रिजर्व कर दिए थे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप करी हमारी गवर्नमेंट ने। आई बड़ा नोट्स पास कर दिया, आगे आप शेयर करो। देखो क्या करा, फोर्थ पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। ध्यान से समझेंगे बेटा, कुछ हैवी इंडस्ट्री जो हमारे देश की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट ने उनको प्रायोरिटी बेस पे डेवलप करा। कौन सी हमारी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे देश की तरक्की के लिए जरूरी थी? कुछ हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स जिसे हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में कौन कौन से आते हैं, जहां पे मशीनें बनती है बड़ी बड़ी, ऐसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, और उनको प्रायोरिटी बेस पे डेवलप करा। समझ आ गई बात? देखो यही लिखा है सिर्फ इंग्लिश में, इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बताओ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जरूरी है या नहीं? इसके बिना तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कोई मशीन ही नहीं चलेगी। तो इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर गिवन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। इन तीन इंडस्ट्री को हमने स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कहा एंड दे वर डेवलप ऑन प्रायोरिटी बेसिस। पहली प्रायोरिटी इन्हें दी और सबसे पहले इन्हें डेवलप कराया हमारी गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर फाइव। ये करने से पहले एक बार ये चार है हेडिंग, याद तो सब बच्चे कर लेंगे, मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा, बट मैंने आपको कहा इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, हेडिंग जो है याद हो जाएंगी आप करेंगे तो, अंदर का मैटर के लिए कीवर्ड्स याद रखने जरूरी है। एक बार फटाफट से करते हैं। हैवी लाइंस में मैंने पढ़ाया कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, जिसलिए उन्होंने 17 इंडस्ट्री पब्लिक को दी, 12 प्राइवेट को दी, इससे क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न प्रमोट हो सके। दूसरा, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर्स को दी थी उन्हें कहा लाइसेंस लेना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्यों? जिससे कि इकोनॉमिक पावर किसी प्राइवेट प्लेयर के हैंड्स में ना जाए। प्रोटेक्शन टू SSI एंड रेगुलेशन ऑफ LSI। LSI को रेगुलेट किया थ्रू MRTP, SSI को प्रोटेक्ट किया बाय गिविंग व्हाट, रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट को रिजर्व किया कि कोई भी LSI उनके प्रोडक्ट को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। कुछ इंडस्ट्री, चार इंडस्ट्री को स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस में कवर किया और उनको डेवलप किया ऑन प्रायोरिटी बेसिस। चार नहीं, सॉरी तीन। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरा इंजीनियरिंग गुड्स, तीसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब अगली हेडिंग करते हैं, फोकस ऑन
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझेंगे बेटा, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज रियलाइज करी कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है, जब उसमें लोग हैबिट डेवलप करें सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की, कि पहले पैसा सेव करें जोड़ें, और जब वो अच्छी खासी आपके पास सेविंग हो जाए देन यू शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट आइदर इन एनी फॉर्म, इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सेविंग डेवलप कराने के लिए, सेविंग हैबिट डेवलप कराने के लिए आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफर करे कि पैसा सेव करो अपने सेविंग अकाउंट में, आपको पहले 6-6.5% तक इंटरेस्ट दिया गवर्नमेंट ने पैसा सेविंग पे, ठीक है। उससे क्या हैबिट डेवलप हुई हम सब के अंदर, सेविंग करने की, सेविंग करने की हैबिट डेवलप हुई, क्योंकि हमें पता लगा अरे पैसा रखा है उस पर भी पैसा मिल रहा, तो सेविंग की आदत डेवलप कराई, अभी इंटरेस्ट रेट घटाते जा रहे हैं। अब सेविंग हो गई, अब क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आज की डेट में, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन दे रही है, किस चीज के लिए, कि बैकवर्ड एरिया में अपने बिजनेस यूनिट सेटअप करें, कुछ टैक्स एग्जम्पशन देंगे आपको, आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू अपने नए नए प्रोडक्ट या अपने नए आइडियाज लॉन्च करें, उसमें रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट ने क्या हैबिट डेवलप करी, फोकस कराया हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे। पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है, एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, बताएं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो द गवर्नमेंट प्रमोटेड देम, तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रमोट किया कैसे, बाय ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड बाय ऑफरिंग सब्सिडीज एंड कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सब्सिडी दे देंगे आपको कहां पे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब्सिडी दे दी या फिर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन। कैपिटल गेन क्या होता है, जब बिजनेस शुरू करने पे कोई आपने एसेट खरीदा या बेचा उस पे जो फायदा होता है उस पे टैक्स लगता है, उसकी एग्जम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने, तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे या आपको सब्सिडी दे देंगे, सेविंग करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट देंगे। इससे हमारी क्या होगी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप होगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लियर हो गई बात, ये पॉइंट कैसे रिलेट किया इन्होंने, क्या कहा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दीज आर प्रमोटेड इन द पीपल। ये कैसे प्रमोट करा, बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड गिविंग सब्सिडीज ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, हमारी गवर्नमेंट ने 1991 से पहले अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए फॉरेन इंडस्ट्रीज को इंडिया में आने नहीं दिया, फॉरेन कंपनीज को। उससे इन्होंने कहा कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं उसे बचाना है। कैसे रोका उन्होंने बाहर की चीजों को इंडिया में आने के लिए, पहला तो उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, उसके बाद अब टैक्सी से क्या वो महंगा हो गया, लोग क्या कहते हैं हम तो महंगा भी लेंगे, हमें उन्हीं का प्रोडक्ट चाहिए अच्छा है। अब उन्होंने क्या करा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक बार में 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा पाओगे। पहला तो रेट बढ़ा दिए, अब रेट बढ़ाने के बाद भी कुछ जिद्दी है कि हम तो वही लेंगे भाई अच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा कोई बात नहीं ले लो, एक बार में एक साल के अंदर अंदर आप इतनी यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा पाएंगे। तो उन्होंने दोनों तरफ से अपनी इंडस्ट्रीज को, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसको प्रोटेक्शन दी। तो पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है, इट मींस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट एंड अप्लाइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट। उन्होंने प्रोटेक्शन दी दो तरीके से, हैवी टैक्सेस लगाए इम्पोर्ट पे और साथ में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस दी। क्लियर बेटा, टॉपिक समझ आया सब बच्चों को? इसकी हेडिंग्स एक बार फटाफट से हम याद करते हैं, क्लास पॉज करना बंद करना। देखो बेटा, इसमें इस टॉपिक में एक हेडिंग रह गई हमारी, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सिडीज़। फोकस ऑन इंपोर्ट, हमारी गवर्नमेंट ने 1991 से पहले क्या पॉलिसी फॉलो करी थी, सब्सिडीज़ के हम जो गुड्स बाहर से मंगाते हैं उन गुड्स को बाहर से मंगाना बंद कर दे, रादर उन गुड्स को हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। इससे हमारे देश को दो फायदे होंगे, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि बाहर से खरीदते हो फॉरेन करेंसी जाएगी, पहला। दूसरा,
हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब हमें अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अगर हम कोई चीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मतलब जो इंपोर्ट कर रहे थे उसे सब्स्टिट्यूट करके इंडिया में ही बनाओ। तो इंडिया में बनाने से दो फायदे, एक तो फॉरेन करेंसी नहीं जाएगी हमारी और दूसरा हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो एक बार आप इसे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेस ऑफ प्लानिंग। ये जो 5 ईयर प्लान बन रहे थे कब से, 1951 से जो प्लान्स बने हैं, इससे हमारे देश में क्या सक्सेस मिली है इन 5 ईयर प्लान्स को। सबसे पहला पॉइंट है इसमें इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट नहीं हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारे देश में नेशनल इनकम में इंक्रीज कितना था, 0.5%। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब वो कह रहे हैं नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है इन 5 ईयर प्लान्स की वजह से, जो पहले 0.5% था अब वो 6.7% पर एनम की रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो देखो पढ़ते हैं पहला पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे ये क्या शो करता है, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रायर टू प्लानिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट 0.5% पर एनम, हेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। इसीलिए हमने इंडियन इकोनॉमी को क्या बोला था, स्टेगनेंट इकोनॉमी। बट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर प्लान द नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट 6.7% पर एनम। क्लियर हो गई बात? तो पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है बेटा, पर पर्सन, पर हेड की जो इनकम थी वो भी बढ़ गई है इस 5 ईयर प्लान में। जो पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर थी अब वो इनकम में इंक्रीज होना शुरू हो गया है और वो इंक्रीज है ऑलमोस्ट 5.7% पर एनम का। पढ़ते हैं 5.7। बेटा तभी बोलता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लिया करो, फोन बाद में भी चल सकते हैं आपके। सेकेंड पॉइंट पे आ गया, फर्स्ट पॉइंट क्यों पढ़ रहे हो, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग द पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। कह रहे हैं ये जो प्लानिंग हुई है इसमें पर कैपिटा इनकम में काफी इंक्रीज हुआ है। प्रायर टू प्लानिंग द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वॉज नोशनल, ऑलमोस्ट नील था। नोशनल मीन्स नील, ऑलमोस्ट नील के बराबर इंक्रीज होता था। बट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर प्लान द पर कैपिटा इनकम हैव बीन इंक्रीज एट द रेट 5.7% पर एनम। अब इंक्रीज हो रहा है आपकी पर्सनल इनकम में भी, हर इंसान लगभग 5.7% अपनी इनकम को इंक्रीज कर लेता है हर साल। क्लियर हो गई बात? आज के लिए लास्ट पॉइंट जो हम करेंगे दैट इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने अभी पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को आदत डलवाई थी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की। अब वो जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे हैं, जब से चलते हुए आ रहे हैं उससे लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप हुई या नहीं हुई है, वही पॉइंट है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में राइज आया है। पढ़ते हैं वो क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों में इंक्रीज आया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेविंग वॉज 9.5% ऑफ द नेशनल इनकम एंड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर प्लान इट इज इंक्रीज टू 31.3%। कह रहे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना था, यस 9.5% और अभी रिसेंटली कितना हुआ है 31.3%। नेक्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्वेस्टमेंट हैज राइजन फ्रॉम 9.3% टू 33.33% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर प्लान। इसका मतलब याद करेंगे हम, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी सेविंग जो थी वो कितनी थी, 9.5 से 31.3%, और इन्वेस्टमेंट पास हुई है 9.3 से 33.33% पे आ गई। पास कितने पे होते हो, 33.33%, तो इन्वेस्टमेंट पास हो गई जो 9.3 पे आ रही थी अब वो 33.3
3.33% पे हो गई है ऑफ द जीडीपी। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।